बच्चों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि अगर n को डिवाइड किया जाए 9 से तो रिमाइंडर 7 आएगा, और अगर 3n-1 को डिवाइड करें 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। तो n इज इक्वल टू 9q+7 हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3n-1 इज इक्वल टू 9q-r। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से LHS पार्ट को लेकर के बढ़ेंगे आगे। तो 3n की वैल्यू जो दी गई है 9q+7 पुट कर देंगे, तो 3n³+7-1 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 27q+20 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 20 को तोड़ लेंगे 18+2 में, तो 27q+18+2 हो जाएगा। अब हम 27q और 18 में 9 कॉमन ले लेंगे, तो 3q+2 आएगा। अब इसको अगर हम कंपेयर कर दें RHS वाले पार्ट से, तो q- जो होगा वो 3q+2 हो जाएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो रिमाइंडर हमारा 2 हो जाएगा। तो ये आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। तो कह रहा है a और b को अगर डिवाइड किया जाए 7 और 6 से, यानी अगर a को डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर p आएगा, और b को डिवाइड करें 6 से तो रिमाइंडर q आएगा। तो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी p+q की। तो इसको भी लेमा, अगर हम इसको यूज़ करें लेमा को a इज इक्वल टू bq+r, तो दो इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन के हिसाब से, a इज इक्वल टू 7n+p और b इज इक्वल टू 6n+q। अब हमको एक चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर से लेस हो सकता है या जीरो से इक्वल और ग्रेटर हो सकता है। तो p की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही हो सकती है पॉसिबल। और q की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम p और q की मैक्सिमम वैल्यू का सम निकालेंगे तो क्या होगा, 6+5 यानी 11 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो p की मैक्सिमम वैल्यू है और 5 जो है वो q की मैक्सिमम वैल्यू है। तो p+q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 6+5 11 आंसर हो जाएगा।